जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं बुध देवता के नवम भाव में स्थित होने पर वो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में। हाँ, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। बुध महाराज जो हैं वो नवम स्थान पर होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे। अब देखिए, मैं शुरू से बात समझाते आया हूं कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अकेला नहीं होता, या ये कह सकते हैं कि अलग अलग लग्न की कुंडलियों के आधार पर अलग अलग ग्रह अपने अलग अलग फल या परिणाम देते हैं। अभी क्या है कि बुध महाराज जो है निसंदेह नाइन्थ हाउस में बैठेंगे, तो अकेले तो नहीं बैठेंगे, कोई ना कोई नंबर के साथ बैठेंगे। हाँ, अब कई बार आप ये सुनते हैं कि मर्क्यूरी नाइन्थ हाउस और बस उसका प्रभाव आप सुनना शुरू कर देते हैं या कोई व्यक्ति सिखाना शुरू कर देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत गहराई से समझें तो लग्न देखना चाहिए कि अलग अलग लग्न कुंडली के आधार पर बुध महाराज नाइन्थ हाउस में बैठेंगे तो कैसे फल देंगे, या तो ये या फिर ये कि अलग अलग नंबर्स के साथ नाइन्थ हाउस पर बैठेंगे तो कैसे। तो मैं दोनों ही तरह से आपको समझाना चाह रहा हूँ। हाँ, ये जो इसकी खासियत ये है इस वीडियो की कि आपको लगन के आधार पर समझना है तो वैसे समझिए, नंबर के आधार पर समझना है तो वैसे समझिए, और क्यों तो वो भी समझ में आपको आएगा। अच्छा, देखिए, यदि आप, मैं पहले तो एक बात आपको समझा दूं कि यदि आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, अपनी कुंडली खुद पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में, एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी। अब क्या है ना कि यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जाइए, या फिर आप ऊपर भी देख रहे होंगे जोश पर देख रहे होंगे तो आप जो है यूट्यूब पर जाइए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आप जाना है। अच्छा, आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। तो हम बात करेंगे अलग अलग नंबर्स के साथ, तो एक नंबर से शुरुआत करते हैं, एक नंबर से शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं कह रहा हूँ नवम भाव, तो नवम भाव का मतलब होता क्या है। लग्न कुंडली का नवा स्थान जो होता है वो होता है आपके भाग्य का स्थान, आपका लक, आपका डेस्टिनी। हाँ, आपके पिता का स्थान भी होता है नवम स्थान, लग्न कुंडली का नवम स्थान पिता का स्थान भी कहलाता है। इसी के साथ साथ नवम स्थान को हम यात्राओं से भी जोड़ते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हर ग्रह के सात्विक दृष्टि तो होती है, तो यहां से जो है तीसरे भाव से भी उस ग्रह का प्रभाव होता है इस वजह से। और नवम स्थान लंबी यात्राओं के लिए या विदेश यात्राओं के लिए भी कई बार जाना जाता है, कई बार हो जाता है कि विदेश से संबंध हो जाता है नवे भाव में बैठे ग्रह का। और चूंकि तृतीय स्थान से संबंध तो होता ही है, कैसे संबंध होता है मैं भी आपको बताऊंगा, तो संबंध होता ही है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि नवम स्थान जो है वो विदेशी यात्राओं का स्थान भी कहला सकता है। अध्यात्म का स्थान भी होता है नवम स्थान, और साथ ही साथ में हम ये कहेंगे कि जो धर्म है, जो हायर टू हायर स्टडीज हैं, जैसे कि भाई एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ, 12वीं कर ली, बैचलर डिग्री ले ली, अब उसके बाद जो है मास्टर्स डिग्री आप लेने गए, नवम स्थान से देखा जाएगा। मास्टर डिग्री के बाद में आप जो है वो डॉक्टरेट करने गए, हाँ, आपको जो है वो यहां से देगा नवम स्थान से देखा। तो जितना ज्यादा आप पढ़ रहे हैं उसे नवम स्थान से देखा जाएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। अब मैंने कहा था कि भाग दौड़ तीसरे स्थान से भी नवम स्थान पर बैठे ग्रह का प्रभाव होता है, मैंने ये बात कही थी। कैसे होता है, देखिए, हर ग्रह की सातवीं दृष्टि तो होती ही होती है। अब दृष्टि क्या है, दृष्टि का मतलब ये कि कोई भी ग्रह जो है वो जहां बैठता है वहां के तो अपने फल देगा, मतलब बुध महाराज की बात अभी कर रहे हैं, तो बुध महाराज यहाँ पर बैठते हैं नवे भाव में बैठ रहे हैं तो नवे भाव के तो फल देना है, स्वाभाविक है देना है, लेकिन वहां से सातवें भाव के फल भी देंगे। कैसे सातवें भाव, यहां से सातवां भाव गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर बुध महाराज की दृष्टि होने वाली है, मतलब बुध महाराज यहाँ पर देखने वाले हैं, और देखने वाले हैं तो इस भाव के फल भी देंगे। अब इस भाव क्या कहते हैं, इस भाव को कहते हैं यात्राओं का भाव, यात्राएं, ठीक है। तो यात्राओं के साथ साथ भाग दौड़, फिजूल की भाग दौड़, फिजूल की मेहनत, पराक्रम का भाव भी इसे कहते हैं। आपका आपका बल, आपके छोटे भाई या फिर बहन, इसका भाव भी इसे माना जाता है, लेकिन पुरुषार्थ का भाव, आपके साहस का भाव, आपके धैर्य का भाव भी इसे कहते हैं। तो कुछ नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है ये भाव में।
ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं एक नंबर के साथ। एक नंबर के साथ बुध लग्न कुंडली के नवे स्थान पर होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, तो यहाँ पर एक नंबर होगा तो यहाँ क्या होगा, दो तीन चार पांच छह तक क्यों गए, आगे क्यों नहीं लिखा, समझाता हूँ। हमें टोटल चार नंबर्स को ध्यान रखना है, वो नंबर कहाँ लिखे कैसे लिखे, कौन कौन से चार नंबर, पहला तो इस भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये जो भाव है ये लग्न का भाव है, पहला भाव है, यहां से हमें पता चलेगा कौन से लग्न की कुंडली है। तो पांच नंबर यहां लिखा है, दैट मीन कि ये पांच नंबर यानी सिंह राशि या सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न के मालिक कौन है, सिंह राशि के मालिक कौन है, सूर्य महाराज, तो ये सूर्य महाराज की कुंडली होगी, हमें इस नंबर से पता चला। दूसरी बात ये कि भाई कौन से नंबर के साथ बुध महाराज बैठे हुए हैं, तो बुध महाराज जो है एक नंबर के साथ बैठे हुए, मेष राशि ये होती है और मेष राशि मंगल महाराज की राशि हो जाती है, ये दो नंबर्स पता चल गए। आगे के जो दो नंबर है वो हमें पता होना चाहिए, तीन नंबर कहाँ लिखा है, छह नंबर कहाँ लिखा है, तीन नंबर मिथुन राशि, छह नंबर कन्या राशि, मिथुन के स्वामी जो है वो बुध है, कन्या के स्वामी जो है वो भी बुध है, तो बुध के नंबर्स कहाँ किन भाव में लिखे, क्योंकि बुध के नंबर जिन भाव में लिखे होंगे उन भाव के स्वामी बुध हो जाएंगे, तो बुध उन भाव के स्वामी है वैसे पता चलने वाला है। तो इन टोटल चार नंबर्स को ध्यान रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी होगा, इस वजह से हमें इतना कवर करना है कि चार नंबर्स आ जाए, इसलिए मैंने छह तक लिखा, उसके बाद आगे लिखा नहीं, क्योंकि बहुत उसकी जरूरत है नहीं। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पर जो नंबर है उस पर प्रभाव पड़ेगा, ऐसे कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं है, खास क्या कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, उसको लेकर के चिंता मत करिए। चलिए शुरुआत करते हैं, तो अभी क्या होने वाला है, बुध महाराज एक नंबर के साथ बैठे हुए हैं। अब पहले ये समझिए कि बुध इस कुंडली में योग कारक ग्रह मारक ग्रह, तो न योग कारक है न मारक है, भाई योग कारक जो है त्रिकोण भाव के स्वामी को योग कारक ग्रह कहा जाता है, त्रिकोण समझते हैं ना, पहला भाव पांचवा भाव नवा भाव, इनके स्वामी को योग कारक ग्रह कहा जाता है। क्या त्रिकोण के स्वामी है बुध, नहीं है, फिर क्या योग कारक नहीं है, मारक है क्या, छठवें आठवें और बारहवें भाव के स्वामी को मारक कहा जाता है, ऐसा भी नहीं है, तो फिर क्या है, तो बुध महाराज जो है वो समग्रह है, ग्यारहवें भाव के स्वामी है, दूसरे भाव के स्वामी है, तो एक समग्रह है। उसके बाद में वो शत्रु राशि में आकर के बैठे हुए हैं, तो समग्रह का अपना एक प्रभाव ये रहता है कि वो यदि मित्र राशि में और अच्छी जगह पर बैठते हैं तो अपने अच्छे फल देते हैं, शत्रु राशि में बैठते हैं तो अपने खराब फल देते हैं। यहां पर बुध महाराज बहुत अच्छे फल अपने नहीं देने वाले हैं, खराब फल देंगे, कुछ कुछ हद तक अच्छे फल दे सकते हैं, जैसे इसको लाभ भाव इनकम का भाव कहते हैं, इसको धन का भाव कहते हैं, तो इनकम और धन में बढ़ोतरी अपनी महादशा में बुध करेंगे, लेकिन लेकिन उसके अलावा छोटी मोटी रोग भी ग्यारहवें भाव को कहते हैं, तो छोटे मोटे रोग भी बने रहेंगे, क्योंकि मंगल के साथ बुध, मंगल की राशि के साथ बुध बैठे हुए हैं, तो ये गुस्सा चीड़ क्रोध हेल्थ इश्यूज भी देने का काम करेंगे, फिजूल की भागदौड़ देंगे, फिजूल की मेहनत देंगे। यदि कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो उसमें उसको लॉस करेंगे, लेकिन धन जो है वो नौकरी में अच्छा देंगे, तो नौकरी ही ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में मन न लगे, ऐसी स्थितियां होंगी, तो बहुत अच्छी बात तो कहिए नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब सामान्य है। एक नंबर, एक के बाद में दो नंबर, दो तीन चार पांच छह, अब क्या होगा, बहुत शानदार फल देंगे, क्यों, क्योंकि वैसे ही कन्या लग्न की कुंडली हो गई, बुध महाराज की खुद की कुंडली है, दो नंबर वृषभ राशि शुक्र महाराज की राशि के साथ बुध बैठे हुए हैं, बुध महाराज योग कारक ग्रह है, अभी मैंने बताया था योग कारक त्रिकोण भाव के स्वामी को कहते हैं, कर्मेश भी है, कर्म भाव के स्वामी भाग्य भाव पर आकर के बैठे हैं, लग्नेश भाग्य भाव पर आकर के बैठे हैं, क्या कहते हैं, गोल्डन पीरियड आने वाला है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन पढ़ाई लिखाई परिवार स्वास्थ्य हर दृष्टिकोण से गोल्डन पीरियड होगा, इंसान बहुत उन्नति करने वाला है, बहुत आगे बढ़ने वाला है, भागदौड़ करेगा, मेहनत करेगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, भागदौड़ मेहनत से बहुत लाभ मिलेगा व्यक्ति को, यात्राएं भी करेगा तो वो यात्राओं से उसको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। तीन नंबर के साथ तीन चार पांच छह सात, अब थोड़ी देर पहले मैं एक बात कह रहा था कि विदेश के मालिक का जो है वो नवे भाव से कई बार कनेक्शन हो जाता है, देखो छह नंबर विदेश के, इसको बारहवें भाव को विदेश का भाव कहते हैं, तो विदेश के मालिक जो है भाग्य भाव में स्वराशि आकर के बैठे हुए हैं, अच्छा खुद की राशि में बैठे हैं, तुला लग्न की कुंडली है तो शुक्र महाराज की कुंडली अति योग कारक ग्रह है, त्रिकोण भाव के स्वामी बुध हो ही गए हैं, तो विदेश का मालिक यदि भाग्य भाव में बैठा है तो उसको हम ये कहते हैं कि इंसान का भाग्य विदेश में है। अच्छा, विदेश का मतलब जरूरी नहीं कि आप भारत से ही बाहर चले जाओ, हो सकता है मुंबई में रहे तो दिल्ली चले गए, दिल्ली में रहे तो बैंगलोर चले गए, मतलब इस प्रकार से भी इसको भी विदेश कहा जा सकता है, लेकिन अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के काम करना, ऐसा इंसान जन्म स्थान से दूर जाकर काम करेगा बहुत उन्नति हासिल करेगा। अच्छा, इसके अलावा ये भी गोल्डन पीरियड होगा,
हाँ, बुध महाराज की महादशा व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी गुजरने वाली है। पढ़ाई लिखाई, हायर स्टडी, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, स्वास्थ्य, सारे दृष्टिकोण से बहुत अच्छी होगी। भागदौड़ मेहनत व्यक्ति करेगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, उस भागदौड़ मेहनत का उसे बहुत फल मिलेगा। बहुत अच्छी दशा चलने वाली है। इंसान बिल्कुल आध्यात्मिक भी होगा 3 नंबर के साथ, 4 नंबर के साथ, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो 3 नंबर यहाँ चला गया, इसलिए 3, 6 और यहाँ पर जो नंबर आ रहा है इसको कवर करना बहुत जरूरी है। तो अब ये हो गया अति मारग, बुध महाराज हो गया अति मारग ग्रह। कैसे हो गए? क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हो गए ना, और फिर वृश्चिक लग्न की कुंडली मतलब मंगल महाराज की कुंडली है, और शत्रु राशि में बुध महाराज बैठे हुए। 4 नंबर यानी कर्क राशि, कर्क राशि मतलब चंद्र महाराज की राशि, शत्रु राशि होती है। तो बुध महाराज जो है अपने बहुत खराब फल देंगे। बुध की दशा में चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन की स्थिति बनेगी। व्यक्ति बिजनेस नहीं कर पाएगा, नौकरी ही करना है। नौकरी में भी उतनी उन्नति नहीं होगी, लेकिन नौकरी ही ऑप्शन है। भागदौड़ बहुत ज्यादा होगी, मेहनत बहुत ज्यादा होगी, मतलब व्यक्ति को उतना फायदा नहीं मिलेगा। बुध की दशा में हेल्थ इश्यूज बनेंगे और पढ़ाई लिखाई में मन न लगे, ऐसी स्थितियां भी होंगी। तो ये एक्चुअली वर्स्ट कंडीशन होती है 4 नंबर के साथ, खराब। 4 के बाद में 5 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर क्या होगा, कई सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। शत्रु राशि में बैठे हैं, एक्चुअली सूर्य महाराज बुध के शत्रु नहीं है। यदि सूर्य महाराज बुध के शत्रु होते तो फिर बुधादित्य राजयोग कैसे बन जाता? क्योंकि सूर्य के साथ बुध बैठ करके राजयोग बना देते हैं, वो कैसे बनता? तो बुध के शत्रु नहीं है सूर्य महाराज, तो सूर्य की राशि बुध महाराज के लिए मित्र राशि है, पहली बात। दूसरी बात कि बुध इस कुंडली में योग कारक भी नहीं है, मारक भी नहीं, लेकिन सम है। अब मैंने कहा था कि सम ग्रह यदि मित्र राशि में बैठेंगे और अच्छी जगह बैठेंगे तो अपने अच्छे फल देंगे। तो यहाँ पर बुध महाराज जो है अपने अच्छे फल देंगे। अब बहुत ज्यादा राजयोग वाले फल तो नहीं दे देंगे, लेकिन फिर भी व्यक्ति को नौकरी में बहुत उन्नति देंगे, बिजनेस में सामान्य उन्नति देंगे। तो व्यक्ति को नौकरी करने की सलाह यहाँ पर दी जाती है। पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी उन्नति देंगे, व्यक्ति का बुद्धि विकास, बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होगा। व्यक्ति हायर स्टडी कर पाएगा, बुध की महादशा में बहुत आगे बढ़ेगा। थोड़े मोड़े अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा बुध की दशा व्यक्ति को बहुत अच्छी निकलने वाली है। खराब नहीं है, 5 नंबर के साथ खराब फल नहीं देंगे बुध, ये बात ध्यान रखना। 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5। अभी क्या होगा? एक्चुअली किसी के मन में ये सवाल आता है कि भाई 3 नंबर तो अब यहाँ पर आ गया छठे भाव में। अब मैंने कहा था छठवें आठवें बारहवें भाव के मालिक जो है वो मारक हो जाते हैं। अब मैं कहने वाला हूँ कि बुध स्व राशि बैठे हुए हैं और त्रिकोण के मालिक भी हैं। अब मैंने कहा था त्रिकोण के मालिक जो है वो योग कारक होते हैं, छठे के मालिक मारक होते हैं। अभी क्या मारक माने या योग कारक माने? देखो एक सीधा सा नियम है कि यदि कोई ग्रह त्रिकोण भाव के मालिक है लेकिन साथ ही साथ छठवें आठवें और बारहवें भाव के भी मालिक है तो भी उन्हें योग कारक ग्रह कहा जाएगा और छठवें आठवें बारहवें भाव के खराब फल नहीं देखने को मिलेंगे। अच्छे भाव में बैठना चाहिए उन्होंने, तो नीच राशि नहीं होना चाहिए। तो बुध महाराज 6 नंबर यानी कन्या राशि उच्च राशि के साथ बैठे हुए, तो अपने ये बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत अच्छे गोल्डन पीरियड चलेगा। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार की महादशा चल रही है गोल्डन पीरियड चलेगा, क्योंकि मकर लग्न की कुंडली है। 10 नंबर यानी मकर राशि लग्न पर बैठे हुए शनि महाराज की कुंडली है। ये शनि महाराज बुध महाराज की महादशा में व्यक्ति को नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, भागदौड़ मेहनत से लाभ, पराक्रम, साहस, यात्राएं, यात्राओं से लाभ बिल्कुल देंगे ही देंगे। बहुत अच्छी दशा निकलने वाली बुध महाराज की। इंसान ग्रो करेगा, बहुत उन्नति हासिल करेगा 6 नंबर के साथ। 6 के बाद में 7 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 6। अब देखो फिर वही बात हो गई है जो अभी थोड़ी देर पहले समझा, अष्टमेश है लेकिन पंचमेश भी है, तो पंचमेश होने की वजह से बुध महाराज योग कारक हो जाएंगे, अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। अभी एक बहुत अच्छा एक नियम होता है, उस नियम को हम ऐसा गिनते हैं कि उस लग्न कुंडली का जो भाव है उस भाव से उतने ही भाव आगे गिनो। जैसे कि लग्न कुंडली का 5वां भाव है, तो 5वें भाव में क्या लिखा हुआ है? 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर का मतलब होता है बुध महाराज का नंबर, मिथुन राशि। हाँ, तो अभी बुध महाराज का घर ही है और लग्न कुंडली का 5वां भाव है, तो यहां से 5वें भाव से 5वां भाव गिनिए तो क्या आता है, गिन के बताइए। ये 5वां भाव है, 1, 2, 3, 4, 5। अरे 5वें भाव में तो बुध बैठे हुए हैं और बुध का ही नंबर है, बुध अपने नंबर से 5वें भाव में जाकर के बैठ गए। इसे कहते हैं 5वें का 5वां, यानी बुध अपने भाव से 5वें भाव का मालिक 5वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है खुद से। तो
ये एक बहुत बड़ा भावद्भाव नियम है, और ये बताता है कि बुद्धि का मालिक जो है वो भाग्य में गया, इंसान अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये संतान का भाव भी है, बुद्धि का भाव तो है ये संतान का भाव भी है, तो संतान का मालिक भी भाग्य भाव में गया है। इंसान की प्रथम संतान के बाद उसकी बहुत भाग्य में उन्नति होगी, हो सकता है लड़की के योग बने, लड़की लक्ष्मी स्वयं आए और उसके भाग्य को बहुत ज्यादा बढ़ा दे। अच्छा, बौद्धिक दृष्टिकोण से दिमाग से व्यक्ति बहुत शार्प होगा, नौकरी व्यवसाय में बहुत उन्नति करेगा, भागने दौड़ने वाला होगा, मेहनत करने वाला होगा, लेकिन सफलता भी हासिल करेगा, बहुत साहसी होगा और बहुत आध्यात्मिक भी व्यक्ति होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 7 नंबर के साथ, 7 के बाद में 8 नंबर, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो यहां पर वैसे तो बुध शत्रु राशि में बैठे, 8 नंबर यानी मंगल महाराज की राशि शत्रु राशि में। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सम ग्रह है भाई, मीन लगन की कुंडली हो या धनु लगन की कुंडली हो, अभी हमने धनु लगन की बात की थी, तो मीन लगन की कुंडली में भी बुध महाराज जो है सम ग्रह, ना योग काल है ना मारक है, अब सम ग्रह जो है शत्रु राशि में आकर के बैठ गए हैं। तो यहाँ पर इन जनरल बुध महाराज अपने बहुत खराब फल दिखाते हैं, लेकिन 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 बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोग इस वे में नहीं देखते हैं जिस वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। ये 6 नंबर क्या लिखा हुआ है, पति या पत्नी के भाव पर। तो पति या पत्नी के मालिक जो है वो भी तो जाकर के बैठ गए हैं भाग्य स्थान पर, तो पति या पत्नी के आने के बाद भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, ये बात मैं आपसे कह देता हूं। तो बुध की महादशा भले ही खराब फल उसको देने वाली हो, लेकिन यदि और बुध की महादशा जीवन में आए कि ना आए या फिर चल रही हो, इंसान की कुंडली मिलान करके शादी होगी तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि उसके शादी के बाद में उसका भाग्योदय होगा, तो भले ही खराब दशा भी चल रही है तो भी उसे बहुत अच्छे फल देगी। तो शादी के बाद में भाग्योदय का ये योग बनता है, पहली बात। लेकिन शादी को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, बच्चा है कोई उसे बुध की दशा चल रही है तो भाई पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, यदि शादी के पहले नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है तो वो सेटल नहीं होगा, उसमें इश्यूज आएंगे, लेकिन शादी के बाद में बहुत उन्नति व्यक्ति करेगा, ये बात है। 8 नंबर के साथ, 8 के बाद में 9 नंबर, 9 नंबर, 9, 10, 11, 12, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। ठीक है, ये इसको क्यों छोड़ रहे हैं। चलिए, तो अब क्या होगा, अब ये है कि 1 नंबर यानी मेष राशि, मेष लगन की कुंडली है, मंगल महाराज की कुंडली है, बुध महाराज 6वें भाव के स्वामी, 3रे भाव के स्वामी है, भाग्य भाव में बैठे हैं, भैया खराब होगा। देखो 6वां भाव जो होता है ना, रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, तो व्यक्ति को रोग ऋण शत्रु के मालिक भाग्य पे बैठे, मतलब रोग भाग्य पे आ गया, शत्रु भाग्य पे आ गए, ऋण कर्जा डेब्ट भाग्य पर आ गया, भागदौड़ भाग्य पर आ गई, इंसान भागता दौड़ता रहेगा, कर्जे की स्थिति उसको बनी रहेगी, बिजनेस करेगा तो लॉस जाएगा, नौकरी भी करेगा तो खुश नहीं रहेगा लेकिन नौकरी ही करना है, हेल्थ इश्यूज होते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, बुध की महादशा व्यक्ति के लिए वर्स्ट गुजरने वाली है, मार्केश की दशा ये रहेगी, बहुत खराब है। 9 नंबर के साथ, 9 के बाद में 10 नंबर, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात समझाई थी कि भावद्भाव नियम मैंने समझाया था, 5वें भाव का मालिक खुद से 5वें भाव पर बैठा हुआ है, यदि आपने देखा हो तो, नहीं देखा तो देखिए, पूरा वीडियो देखा करिए, मैं कुछ कुछ चीजें बीच बीच में समझा दिया करता हूँ। तो यहाँ पर भी वही नियम बन रहा है, मतलब इंसान अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण करेगा, इंसान के प्रथम संतान के बाद उसके भाग्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होने वाली है, गोल्डन पीरियड निकलेगा बुध की महादशा का, क्योंकि धन भाव के मालिक भी भाग्य भाव पर बैठे, मतलब धन को उठा करके भाग्य पर रख दिया, परिवार को उठा करके भाग्य पर रख दिया, इंसान का परिवार उसके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा, हो सकता है परिवार का बिजनेस हो जिससे वो आगे बढ़े, परिवार का बिजनेस ना भी हो तो भी परिवार जो है उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत पुश करेगा, बहुत बहुत सपोर्ट करेगा, ऐसा भी होगा, गोल्डन पीरियड होगा, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से अच्छा होगा, भाग दौड़ मेहनत करेगा व्यक्ति, पुरुषार्थी होगा, लेकिन उससे उसको लाभ भी बहुत ज्यादा मिलेगा, ये संतान के पश्चात जो भाग्योदय वाला योग है ना, इसकी तो कहीं कोई तोड़ नहीं है, मतलब जो भी कुछ कर ले बुध की दशा जितना दे दे, मान के चले बुध की दशा 100 देगी तो संतान होने के बाद में वो 1000 हो जाएगा, यहाँ इतना पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। 10 नंबर के साथ, 10 के बाद में 11 नंबर, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी क्या होएगा?
बहुत शानदार, बहुत अच्छे भैया। लग्नेश 3 नंबर लगन भाव पर है, 6 नंबर सुख भाव पर है। लग्नेश और सुखेश भाग्य भाव पर बैठे हुए, क्या बोलते हैं उसको, बहुत शानदार। इंसान के सुखेश की दशा चल रही है, सुख ही सुख मिलेगा, भौतिक सुख होता है, मकान भूमि गाड़ी वाहन बुध की दशा में मिलने वाला है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बहुत उन्नति करेगा व्यक्ति, पढ़ाई लिखाई में बहुत उन्नति करेगा, मतलब गोल्डन पीरियड चलने वाला है, बहुत अच्छा। लग्नेश की दशा का चलना गोल्डन पीरियड चलता है। अब 4 नंबर के साथ में बुध महाराज, अच्छा 12 नंबर के साथ बुध महाराज बैठे हैं, 4 नंबर लगन पर लिखा हुआ है, ये कर्क लगन की कुंडली होती है। 12 नंबर का मतलब वैसे तो होता है मीन राशि, मीन राशि का मतलब होता है बुध महाराज नीच राशि के स्थित हो गए, और ऊपर से बुध जो है वो द्वादश भाव के स्वामी भी है और तीसरे भाव के स्वामी भी है, तो अति मारक ग्रह भी हो गए, तो ये दशा बहुत खराब गुजरने वाली है। व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज ज्यादा होने वाले हैं, विदेश जाने के लिए व्यक्ति बहुत ललायित रहेगा, लेकिन विदेश में भी कोई बहुत अच्छा उसे उसका फल नहीं मिलेगा, भागदौड़ बहुत लगेगी, मेहनत बहुत लगेगी, कर्म बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, उसके बाद में उसके बाद ज्यादा कर्म करने के बदले में थोड़ा मिले ऐसी स्थिति होगी, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, मतलब अच्छी बात नहीं है, खराब स्थिति है ये। तो बुध महाराज की मदशा ऐसे व्यक्ति को खराब निकलने वाली है, खराब गुजरने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की है 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक बुध महाराज अपनी दशा में, 9th हाउस में बुध महाराज होंगे तो अपनी दशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, ये बात समझ में आई है, तो मुझे आप बता सकते हैं। और मिलेंगे और अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।